खान शाहरुख खान और उनकी पत्नी गौरी खान का इस वक्त बेहद बुरा हाल है। अपने लाडले प्यारे बड़े बेटे आर्यन खान को लेकर काफी ज्यादा चिंतित और परेशान हैं शाहरुख और गौरी। ड्रग्स मामले में आर्यन खान फंसे हुए हैं। महज 23 साल के हैं आर्यन खान और इस वक्त मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद है। जानकारी के लिए आपको बता दें, 2 अक्टूबर शनिवार की देर रात एनसीबी की टीम ने आर्यन खान को अपनी हिरासत में लिया था। इस मामले में आर्यन खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। तमाम कोशिशों के बावजूद आर्यन को जेल से बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं शाहरुख और गौरी। शाहरुख और गौरी लगातार दुआएं मांग रहे हैं अपने बेटे आर्यन खान के लिए। वहीं बॉलीवुड इंडस्ट्री के कई सितारे शाहरुख और गौरी के सपोर्ट में खड़े हुए हैं। दूसरी ही तरफ सोशल मीडिया के जरिए शाहरुख का सहारा बने हुए हैं उनके करोड़ों चाहने वाले। वेल, इस बात से सभी वाकिफ हैं कि शाहरुख खान अरबों की संपत्ति के मालिक हैं। काफी लग्जरियस लाइफस्टाइल जीते हैं शाहरुख खान, तो वहीं उनके बेटे भी काफी लग्जरियस लाइफस्टाइल जीते हैं आर्यन खान। और आर्यन खान इस वक्त जेल में हैं, उन्हें दिन और रात जेल में ही बिताने पड़ रहे हैं। इस दौरान देखा जाए तो शाहरुख की परवरिश पर भी सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। शाहरुख खान ने हमेशा ही अपने तीनों बच्चों को फ्रीडम दी है। शाहरुख खान काफी ज्यादा गर्व महसूस करते हुए नजर आते थे अपनी परवरिश पर, लेकिन अब देखा जाए तो सोशल मीडिया पर शाहरुख पर कभी मीम्स बनते हुए नजर आए हैं तो कभी शाहरुख को ट्रॉल करते हुए देखे जा रहे हैं यूजर्स। इसी बीच देखा जाए तो कई हस्तियों के बयान भी आ रहे हैं आर्यन खान ड्रग्स मामले को लेकर। वेल, हमारे इस प्रोग्राम के जरिए हम बात करेंगे एक और लेटेस्ट न्यूज के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज। आई एम योर होस्ट एंड दोस्त प्रांशी राठौर। वेल दोस्तों, यहाँ पर एक मशहूर हस्ती ने अपने दिल की बात कही है। शाहरुख और आर्यन को लेकर एक बयान दिया है। आखिरकार क्या कहा है, जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। बॉलीवुड की किंग खान शाहरुख खान और उनका परिवार इस वक्त काफी बुरे दौर से गुजर रहा है। शाहरुख खान और उनकी पत्नी गौरी खान का बेहद बुरा हाल है। अपने लाडले बड़े बेटे आर्यन खान को लेकर काफी ज्यादा चिंतित और परेशान है शाहरुख और गौरी। शाहरुख और गौरी ने अपने सभी काम रोक दिए हैं। शाहरुख खान ने अपनी फिल्मों की शूटिंग पर रोक लगा दी है। वह अपनी फिल्मों की शूटिंग के सेट पर भी नहीं पहुंच रहे हैं। वहीं दूसरी ही तरफ गौरी खान का रो रो कर बुरा हाल है। गौरी खान ने भी अपने काम रोक दिए हैं। इस दौरान देखने को मिल रहा है कि गौरी खान काफी ज्यादा रो रही हैं। गौरी खान अपने बेटे के बहुत ही करीब हैं। अपने बेटे को बाहर निकालने की तमाम कोशिशें करते हुए नजर आ रहे हैं शाहरुख और गौरी। वहीं दूसरी ही तरफ शाहरुख खान को लेकर खुलासा हुआ है कि शाहरुख खान ठीक से खा पी तक नहीं रहे हैं और ना ही वह ठीक से सो पा रहे हैं। अपने लाडले बेटे को लेकर काफी ज्यादा चिंतित हैं शाहरुख और गौरी। इसी वजह से उनका हाल काफी बुरा है। बता दें आपको, आर्यन खान मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद है। आर्यन खान को आर्थर रोड जेल में बैरक में शिफ्ट कर दिया है। आर्यन खान का अंडर ट्रायल नंबर N956 है। आर्यन को जेल में आम कैदियों की तरह ही अब रहना पड़ेगा। इतना ही नहीं, जेल में आर्यन खान को उनके परिवार की तरफ से 4,500 रुपए का मनी ऑर्डर भी मिल चुका है, जिससे कि वह कैंटीन से अपनी पसंद की कोई भी चीज मंगा सकते हैं। जेल प्रशासन के घर या बाहर का खाना अदालत के आदेश के बाद ही दिया जा सकता है। आर्यन खान के लिए ऐसा कोई भी आदेश नहीं है। आर्यन खान को जेल का खाना ही दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, जेल प्रशासन से जुड़े सूत्रों के मुताबिक सामने आया है कि हाल ही में आर्यन खान ने शाहरुख खान और अपनी मां गौरी खान से वीडियो कॉल के जरिए बातचीत की है। हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि कैदियों को हफ्ते में मोबाइल से वीडियो कॉल पर अपने परिजनों से बात करने की परमिशन है।
वहीं आर्यन खान ने शाहरुख और गौरी से वीडियो कॉल के जरिए बातचीत की है और उस दौरान काफी ज्यादा इमोशनल होते हुए नजर आए हैं शाहरुख और गौरी। ये बात तकरीबन 10 मिनट तक चली है। बेटे को रोता हुआ देखकर गौरी की आंखों से आंसू छलक पड़े हैं। आर्यन खान जेल के अधिकारियों को अपनी मां गौरी खान का नंबर दिए थे और दोनों के बीच ये बातचीत 10 मिनट तक चली। जेल के नियमों के मुताबिक सामने आया है कि कैदी महीने में 2 या 3 बार ही अपने घर वालों या वकीलों से वीडियो कॉल पर बात कर सकते हैं। फिलहाल आर्थर रोड जेल में 11 स्मार्टफोन्स हैं। आर्यन खान को जहां पहले क्वारंटाइन सेल में रखा गया था तो वहीं अब जनरल सेल में शिफ्ट कर दिया गया है। आर्यन खान जो काफी लग्जरियस लाइफस्टाइल जीते हैं, लेकिन आज आर्यन खान जेल में दिन और रात बिता रहे हैं। आर्यन खान ड्रग्स मामले में लगातार बॉलीवुड इंडस्ट्री के सितारे अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं तो वहीं कई पॉलिटिशियंस भी आर्यन खान के सपोर्ट में उतर आए हैं। इसी दौरान देखा जाए तो शाहरुख खान और आर्यन खान को लेकर बयान जारी किया है अब बरेली के उलमा ने। जी हां, बड़ा बयान दिया है बरेली के उलमा ने शाहरुख और उनके बेटे आर्यन को लेकर। उन्होंने एक बड़ी नसीहत दी है आर्यन और शाहरुख को। दरअसल उन्होंने नसीहत दी है कि अगर उन्होंने अपने बेटे आर्यन को मदरसे में तालीम दी होती तो शायद ये दिन नहीं देखना पड़ता। जहां एक तरफ शाहरुख खान के सपोर्ट में कई सेलिब्रिटीज उतर आए हैं, वहीं दूसरी ही तरफ शाहरुख और उनके बेटे आर्यन खान को लेकर अपने दिल की बात रखते हुए भी नजर आ रहे हैं। बता दें आपको कि हाल ही में तंजीम उलमा ए इस्लाम के राष्ट्रीय महासचिव मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने अपना बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि सिर्फ दुनियावी तालीम हासिल करने से कुछ नहीं होता है। शाहरुख और उनके बेटे आर्यन अगर मदरसे में पड़े होते तो उन्हें आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। दोनों को जायज नाजायज चीजों के बारे में ठीक से जानकारी होती। मौलाना शहाबुद्दीन कहते हैं कि शाहरुख ने अपने बेटे आर्यन को दुनियावी तालीम के साथ किसी मदरसे में कुछ ही दर्जे तक इस्लामिक तालीम भी दिलानी चाहिए थी। वह कहते हैं कि इस्लाम में नशा करना हराम माना गया है। ये भी कहा गया है कि अगर बच्चा किसी गलत हरकतों में पड़ जाए तो माँ बाप उसे प्यार से समझा कर सही रास्ते पर लाने का प्रयास करें। इसलिए माँ बाप का भी दीनी तालीम हासिल करना जरूरी है। इस मामले को लेकर आर्यन खान ड्रग्स मामले को लेकर इस तरह से मौलाना ने अपने दिल की बात कही है। फिलहाल देखा जाए तो आर्यन खान ड्रग्स मामले को लेकर कई बड़ी खबरें आ रही हैं। शाहरुख खान और गौरी खान का सहारा बने हुए हैं उनके करीबी दोस्त, फिल्म इंडस्ट्री के कई बड़े बड़े सितारे। इस लिस्ट में नाम शामिल है दबंग खान, सलमान खान, एक्ट्रेस प्रीति जिंटा, कोरियोग्राफर फराह खान, सुपरस्टार ऋतिक रोशन, फिल्म मेकर करण जौहर। वहीं सलमान खान का पूरा ही परिवार शाहरुख खान के साथ खड़ा हुआ है। इस मुश्किल घड़ी में शाहरुख खान का सहारा, इस तरह से बने हुए हैं सितारे। सो फ्रेंड्स, आप सभी ने देखा जाना हमारी इस रिपोर्ट के जरिए कि आर्यन और शाहरुख को नसीहत दी है बरेली के उलमा ने और अपनी दिल की बात कही है अपने इंटरव्यू के जरिए। फिलहाल देखा जाए तो शाहरुख और गौरी लगातार कोशिशें करने में जुटे हुए हैं अपने बेटे को जेल से बाहर निकालने के लिए। हमारे इस प्रोग्राम में इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।